Hello students, how are you? All are fine. Welcome to Navnidhi International School. Students, today's our subject English. आज हम English में exercise करेंगे. आज से पहले हमने small letter A, small letter B, small letter C, small letter D, small letter E and small letter F की practice की थी ना students? तो आज हम एक्सरसाइज में थोड़ा रिवीजन करेंगे. लेट स्टार्ट प्रैक्टिस. स्टूडेंट्स, आपको भी अपनी बुक खोलनी है और अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 आपको ओपन करना है और मेरे साथ आपको भी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है. लेट स्टार्ट प्रैक्टिस. स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर बी, small letter C, small letter D, small letter E, small letter F. चलो वापस प्रैक्टिस करेंगे. small letter A, small letter B, small letter C, small letter D, small letter E, small letter F, small letter A, small letter B, small letter C, small letter D, small letter E and small letter F. One time वापस practice करेंगे. small letter A, small letter B, small letter C, small letter D, small letter E, small letter F. तो देखो students, हमने एक्सरसाइज वन में लुक एंड राइट में ऊपर हमें ए से लेके एफ तक स्मॉल लेटर दिए हैं. हमें लुक एंड राइट लिखना था, हमने लुक एंड राइट किया. अब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. राइट द फर्स्ट स्मॉल लेटर ऑफ द गिवन पिक्चर्स. हमें क्या करना है, आपको इधर पिक्चर दिए हैं, उसको देखना है, आइडेंटिफाई करना है और उसका जो भी स्मॉल लेटर है, कौन सा लेटर, स्मॉल लेटर है, उसको हमें राइट करना है. चलो लेट्स स्टार्ट. विच पिक्चर इज दिस, एप्पल. तो एप्पल का स्मॉल लेटर क्या होता है, ए, ए फॉर एप्पल. तो हम स्मॉल लेटर ए लिखेंगे. फिर विच पिक्चर इज दिस, डी, डी डॉग. सॉरी स्टूडेंट्स, डॉग. विच पिक्चर इज दिस, डॉग. तो डॉग का स्मॉल लेटर क्या है, डी, डी फॉर डॉग. तो हम स्मॉल लेटर डी लिखेंगे. फिर है आई, आई का स्मॉल लेटर क्या है, ई, आई का स्मॉल लेटर क्या है, ई, ई फॉर आई. फिर है काउ, विच पिक्चर इज दिस, काउ. काउ का स्मॉल लेटर क्या है स्टूडेंट, सी, सी फॉर काउ. तो हम स्मॉल लेटर सी लिखेंगे. फिर नेक्स्ट वन है डक, डक का स्मॉल लेटर क्या है, डी, डी फॉर डक. तो हम स्मॉल लेटर डी लिखेंगे. फिर है बटरफ्लाई, नेक्स्ट पिक्चर कौन सा है, बटरफ्लाई का, बटरफ्लाई का स्मॉल लेटर क्या है, बी, बी फॉर बटरफ्लाई. तो हम स्मॉल लेटर बी लिखेंगे. फिर है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का स्मॉल लेटर क्या है, ए, ए फॉर एरोप्लेन. तो हम स्मॉल लेटर ए लिखेंगे. नेक्स्ट है फैन, लास्ट कौन सा है, फैन. फैन का स्मॉल लेटर क्या है, एफ, स्मॉल लेटर एफ, एफ फॉर फैन. तो देखो स्टूडेंट्स, हमने कितनी अच्छी तरीके से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे.
अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ये जो होमवर्क का पेज है, पेज नंबर 15, उसमें आपको क्या करना है, मैच द लेटर विथ इट्स पिक्चर। आपको ये लाइन में लेटर दिए हैं और सामने की लाइन में पिक्चर दिए हैं, तो आपको क्या करना है, लेटर के अकॉर्डिंग पिक्चर को देखना है और उसके साथ मैचिंग करना है। एकदम इजी है स्टूडेंट्स, वो एक्सरसाइज भी वो आपको होमवर्क में करनी है। करोगे ना स्टूडेंट्स?